Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 7. Getting to know plants. Part 2. New topic. Root. Root ka meaning hota hai mool. Look at figure number 7.13. Who do you think is watering their plant? Correctly, Paeli or Bojo, why? तो फिगर नंबर 7.13 में हम देखेंगे, तो क्या आपने कभी ऐसा थिंक किया है कि प्लांट को प्रॉपर तरीके से पानी मिल रहा है? लुक एट द फिगर नंबर 7.13 वाटरिंग द प्लांट्स. प्लांट्स को कैसे पानी देते हैं वो इधर दिखाया गया है. ये प्लांट्स है और ये उसको कैसे पानी देते है. ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. सॉइल के अंदर प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6. यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. तो ये सब चीजें हमको लेनी है. दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट. तो ये एक्टिविटी ग्रुप में करनी है, 4-5 स्टूडेंट के होने चाहिए इस एक्टिविटी में. सिलेक्ट टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. तो आपको ओपन ग्राउंड में जाना है, उसमें से क्या करना है, टू प्लांट्स को हमको सिलेक्ट करना है. एंड डिग डैम आउट विथ रूट्स. तो उसको डिग करके यानी खोद के उसके रूट के साथ उसको निकलना है, यानी मूल के साथ ही निकलना है. टेक केयर डैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक. तो आपको टेक केयर करने के कहीं उसका जो रूट्स है वो ब्रेक नहीं हो जाए. प्लांट्स वन ऑफ डैम इन पोर्ट ए, फिगर नंबर 7.14A. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स एंड प्लांट्स इट इन पॉट बी, फिगर नंबर 7.14B. तो क्या करना है, एक जो प्लांट है उसको ऐसा ही रूट के साथ ही उसको पॉट ए में उसको रख देना है. और दूसरे का क्या करना है, जो पॉट बी में रखना है उसका रूट्स हमको क्या करना है, कट कर देना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 7.14. उसमें ए देखेंगे, प्लांट विथ रूट्स. तो ये वाला जो है वो क्या है, ये जो प्लांट्स है उसको क्या है, ये क्या है, रूट्स है. तो उसके साथ ही ये ओके. और बी वाली जो फिगर है वो विदाउट रूट्स, उसको किसमें डाला है, पॉट बी में डाला है. तो उसका रूट कैसा है, पॉट बी वाला है, उसका रूट कट ऑफ कर दिया है, उसका कोई रूट्स ही नहीं है. ओके, वाटर डैम रेगुलरली, उसको रेगुलरली वाटर देना है. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक. तो उसके बाद एक वीक के बाद प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, या दोनों प्लांट्स हेल्दी है. बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, दोनों प्लांट्स को वाटर देना है. बट वन इज विदाउट रूट्स इज नॉट इट. तो जो विदाउट रूट्स वाला होगा वो इज नॉट इट. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स. तो इस एक्टिविटी ने हमने देख लिया कि रूट्स का कैसे और उसका इम्पोर्टेंट क्या है. अब दूसरी एक्टिविटी हम देखेंगे, एक्टिविटी 7. वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी यानी बाउल एंड सम वाटर. ये सब चीज़ें हमको चाहिए, वो सब चीज़ें हमको लेनी है. टेक टू कटोरी यानी बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन डैम. उसमें क्या लेना है, वेट कॉटन उसमें लेना है कटोरी के अंदर. पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. तो इसके अंदर 3 or 4 सीड्स किसके लेना है, ग्राम के लेना है, दूसरे किसके लेना है, मेज का हमको लेने है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. तो
जहाँ तक कॉटन वेट नहीं हो जाए तो उसको एवरीडे क्या करना, स्विंगिंग वाटर एवरीडे उसको स्विंकिंग करना ही है, अंटिल द स्प्रॉट्स हैव ग्रोन इन टू यंग प्लांट्स। तो वो जो यंग प्लांट्स में जो जहाँ तक स्प्रॉट्स यानी अंकुशित नहीं हो जाए तहाँ तक उसका ग्रो करना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, फिगर नंबर 7.15। तो 1 वीक के बाद क्या करना है आपको, कॉटन में से यंग प्लांट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। फिगर नंबर 7.15, यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन द कॉटन, कॉटन में कैसा ग्रो हुआ होता है वो आपको दिखाई देता है, उसका सेपरेट करके प्रॉपर तरीके से वो ऐसा होता है। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई? तो क्या हम कॉटन में जो उसके रूट से कॉटन फ्रॉम द रूट्स में से कॉटन, तो उसको इसीलिए हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट? वी डग डेम आउट, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल, दे एंचोर द प्लांट्स टू द सॉइल। तो कहीं पे भी जगह आप जाओगे, किसी के प्लांट्स को आप डिग करोगे, खोदोगे, तो वो इजीली उसको हम ऐसे उसको डिग नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल के साथ दो प्लांट्स जो है फर्मली होल्डिंग होता है, और उसका जो सॉइल के साथ जो प्लांट्स होता है वो एंचोर होता है, यानी वो पकड़ के रखता है। तो कोई भी चीज़ आप किसी की भी प्लांट्स की आप खुदाई करते हो, डिग करते हो, तो इजीली हम प्लांट को हम डिग नहीं कर सकते, उसके जो रूट छोटे हैं वो सॉइल के अंदर कितने तक नीचे होते हैं। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टीम स्टेम्स एंड लीव्स। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स हमने देखे लिए है। डू द रूट्स ऑल्सो शो वेराइटी? तो क्या रूट्स में भी वेराइटी आती है, जैसे किसमें आती है वैरायटी, उसमें वैरायटी आती है, तो अब हम देखेंगे आगे इसमें ही वैरायटी आती है। वो दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर नंबर 7.16a and b केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल आउट ऑफ द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। तो प्रीवियस ये सब एक्टिविटी हमने देखी ली है आगे, तो उसका ही यह बात की है। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर नंबर 7.16a और दोस इन फिगर नंबर 7.16b? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट, राइट? ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। तो ये किसकी फिगर है, 7.16a और बी जो है वो मेज और ग्राम की जो दोनों फिगर है, तो एक्टिविटी में ऐसे ही वो डी है, जो फिगर ए वाली है जो फिगर बी वाली है वो। ओके, इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? तो ग्राम एंड मेज का जो रूट्स होता है वो सिमिलर होता है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट? क्या वो डिफरेंट भी होता है, वो कैसे होता है? देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इज नॉट इट? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स? ओके, अब आगे हम रूट्स का कौन सा टाइप्स होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, डीड आउट अ फ्यू। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन ग्राउंड में जाना है, आपको क्या करना है, वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, उसको डिग आउट द फ्यू, एंड उसके बाद क्या करना है, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उसके बाद सॉइल में से निकाल उसको वॉश करना है, उसके जो रूट्स है उसको आपको करना है ये सबको, उसके बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर अ काइंड ऑफ रूट शो इन फिगर नंबर 7.17a और एस इन फिगर नंबर 7.17b? तो आपको उसके बाद कैसे रूट्स होते हैं वो आप फिगर में हम देखेंगे। ओके,
For roots of the kind shown in figure number 7.17a, the main root is called tap root. Tap root किसको कहते हैं? So जो main root होता है. तो all the student look at the figure number 7.17a tap root. इधर हम tap root देखेंगे. ये जो plants है और उसका रूट्स कैसे होता है, वो कैसा है, मेन रूट है, इसको इसे क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं. एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. स्मॉलर रूट्स को क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं. प्लांट्स विद रूट्स एज शोन इन फिगर नंबर 7.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट. तो फिगर नंबर 7.17b में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो रूट्स तो होते हैं, उसमें मेन रूट नहीं होता. ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फिब्रस रूट्स. तो फिब्रस रूट्स किसको कहते हैं, तो उसमें जो प्लांट्स है उसमें मेन रूट्स तो नहीं होता. तो ऑल रूट्स एंड सीम सिमिलर, तो जो भी रूट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिब्रस रूट्स कहते हैं. तो इधर बी वाले फिगर देखेंगे, फिब्रस रूट्स. तो ये जो प्लांट्स है उसके नीचे क्या है, रूट्स है, उसमें मेन रूट है नहीं है, सब क्या है, सिमिलर, इसको क्या कहते हैं, फिब्रस रूट्स कहते हैं. सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्ट इन टू टू ग्रुप्स. इन ग्रुप ए पुट दोस डेट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोस हैव फिब्रस रूट. तब को दोनों प्लांट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, टू ग्रुप में सेपरेट करना है. तो ग्रुप बी में कौन सा आएगा, टैप रूट्स वाला प्लांट्स आएगा. ग्रुप बी में क्या आएगा, फिब्रस रूट वाला प्लांट आएगा. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए. व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव. What kind of venation do you see from plants of group B? तो दोनों plants में जो क्या है, group A वाला plants है तो उसमें venation कैसा होता है, group B वाला plants है उसमें ही venation. और कौन से type का venation होता है आपको देखना है. Do you notice that leaf venation and the types of root in a plant are related in a very interesting way. In table number 7.2, can you make the types of leaf venation and the types of root of some plants you have studied in all the actual shorter so far. तो हमने types of roots भी देख लिए, वो कैसे कैसे होते हैं, कौन से tap roots होते हैं, fibrous roots होते हैं, वो सब भी हमने देख लिए. We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conduct these to leaves and other parts of the plant. तो हमने learn कर ही लिया है कि जो roots होते हैं वो क्या करते हैं, जो soil होते हैं उसमें से water and minerals को क्या करते हैं, absorb कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं. एंड जो स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी लीव्स होते हैं तो उससे वो प्लांट्स का जो भी अदर प्लांट्स अदर पार्ट्स होता है उसमें क्या कंडक्ट करते हैं, क्या बैठता है, वाटर एंड मिनरल्स सभी प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं तो वहाँ उसको बैठता है. वो किसके थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड. तो लीव्स क्या करती है, तब प्रिपेयर फूड प्रिपेयर करती है. दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ये फूड कौन से थ्रू ट्रेवल होता है, स्टेम के थ्रू ही ट्रेवल होता है. और उसके थ्रू ट्रेवल होकर कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे वो स्टोर होता है. तो स्टेम है वो क्या है, मेन है, उसके थ्रू ही सब ट्रैवल होता है. वी ईट सम ऑफ दिस एट्स रूट लाइक कैरोट
रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका, तो ये सब जरूर से वो हम खाते ही है। कैरोट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप एंड टेपियोका, वो सब खाते ही है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। डू यू एग्री डेट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू मे ट्राफिक फिगर नंबर 7.18। तो फिगर नंबर 7.18 में देखेंगे हम स्टेम एस टू वे ट्राफिक स्ट्रीट, स्टेम एस को कहते हैं टू वे ट्राफिक स्ट्रीट है, वो फिगर नंबर में हमको दिखाया गया है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, स्ट्रक्चर फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम आगे देखेंगे। न्यू टॉपिक फ्लावर। यू आर शोन थ्री ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर नंबर 7.19 A, B एंड C। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो फिगर नंबर 7.19 में हम देखेंगे तो रोज है, उसमें ए वाला देखेंगे और लीफलेस ब्रांच, तो ये कैसे है, लीफलेस ब्रांच है। ओके, अब बी में देखेंगे अ ब्रांच विथ लीव्स, तो ये कैसे है, ब्रांच के साथ क्या है, लीव्स है। सी देखेंगे अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, ये जो प्लांट्स है उसमें ब्रांचेस भी है, उसके बाद क्या है, ये फ्लावर्स भी है, ये क्या है, फ्लावर्स भी है, तो ये सब ब्रांचेस भी है। ओके, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर नंबर 7.19 C, ऑल आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। तो सभी प्लांट्स के जो भी फ्लावर्स होते हो वो उसका कलर कलरफुल होता है, सब फ्लावर्स कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वेट मेज, मैंगो और गुआवा आर डोज ब्राइटली कलर। तो आपने जो भी फ्लावर्स सीन किए उसमें ग्रास, वेट मेज, मैंगो और गुआवा, उसका कलर क्या भी ब्राइटली होता है। अब एक्टिविटी 10 हम देखेंगे। वी वुड रिक्वायर वन बड एंड टू फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, डटूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास लाइट और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। तो ये सब चीजें हम इस एक्टिविटी में हमको चाहिए। ऑब्जर्व फिगर नंबर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। तो फिगर नंबर 7.20 में हम देखेंगे कि जो ओपन जो फ्लावर होता है उसको क्या है, प्रोमिनेंट पार्ट है। दिस आर द पेटल्स, जो भी फ्लावर्स होता है ओपन फ्लावर्स उसका प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो जैसे डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ये पेटल्स, तो उसका कलर भी कैसा होता है, डिफरेंट ही होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बड, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड, तो द बड है उसके अंदर कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है। Did you see that this part is made of small leaf-like structure? तो आपने देखा है कि जो पार्ट है वो किससे बना होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। They are called sepals. Okay? तो अब इस फिगर के थ्रू हम देखेंगे पेटल्स एंड सेपल्स को। फिगर नंबर 7.20 बर्ड एंड फ्लावर, इस फिगर में हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सेपल्स कहते हैं,
स्पीकर में आप फ्लावर्स में देखा ही होगा, जो ऐसा है जो बीच वाला पार्ट टूटा है उसको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और उसका जो कौन सा हुआ प्रोमिनेंट प्लास हुआ ओपन फ्लावर का, उसको क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट पार्ट है जो प्रोमिनेंट, उसको कहते हैं पेटल्स कहते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व विथ पेटल्स एंड सेपल्स, आपको फ्लावर्स को टेक करना है और उसको पेटल्स एंड सेपल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी सेपल्स डस इट हैव, उसके अंदर कितने सेपल्स होते हैं, आर दे जॉइंट टुगेदर, तो दोनों एक साइड जॉइंट टुगेदर होते हैं, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, तो पेटल्स एंड सेपल्स के कलर कौन से होते हैं, हाउ मेनी पेटल्स डस द फ्लावर हैव, तो फ्लावर के अंदर कितने पेटल्स होते हैं, आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, तो क्या वो जॉइंट टू वन अनदर होते हैं या कोई दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और द दे ऑल्सो जॉइंट टूगेदर, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल नंबर 7.3, एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम द फील्ड ट्रिप और लोकेलिटी वेयर देर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स, फिल द लास्ट टू कॉलम्स लेटर टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, तो फ्लावर्स का जो भी इनर पार्ट है वो तो आपने कभी देखा ही होगा, यू हैव टू कट इट ओपन, तो उसको ओपन में से कट करना है, इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, क्या हो जाएगा पेटल्स जॉइंट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन डटूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स, तो इसके एग्जाम्पल डटूरा में अंदर वो कैसा है बेल शेप फ्लावर्स में वो है, द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, फिगर नंबर 7.21, फिगर 7.20 में हम देखेंगे, पहले हम टेबल नंबर 7.3 ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स, तो क्या है नेम ऑफ द फ्लावर्स और प्लांट्स है, नंबर एंड कलर ऑफ द सेपल्स है, नंबर एंड कलर्स ऑफ पेटल्स है, आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट है, आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट है, स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू सेपल्स पिस्टिल प्रेजेंट एब्सेंट है, रोज है उसमें नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स क्या होते हैं, मैनी कलर्स होते हैं, नंबर ऑफ द कलर्स ऑफ पेटल्स 5, आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, तो क्या होते हैं सेपरेट, स्टीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, तो वो क्या है फ्री, स्टेज में क्या रहता है प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट रहता है, सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, फिगर नंबर 7.21, उसके इनर पार्ट कैसा होता है फिगर नंबर 7.21 में हम देखेंगे, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, तो अदर पास क्या करना, रिमूव कर सेपल एंड पेटल्स को रिमूव कर देना है, उसको अदर पास को हमको देखना है, स्टडी द फिगर नंबर 7.21 22 फिगर में हम देखेंगे, केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर्स विद द इनस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर्स, तो 7.21 7.22 फिगर हमको देखने की है, तो उसके क्या करनी है स्टेमन्स एंड पिस्टिल फ्लावर में क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करने का है, लुक एट फिगर नंबर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेमस प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सब हम एक के बाद 7.21 7.22 7.23 हम फिगर एक के बाद एक हम देखेंगे, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ स्टेमस इन योर फ्लावर, हाउ मेनी स्टेमन आर देन इन योर फ्लावर, तो फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन्स होते हैं, ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इस पार्ट्स, ओके स्टेमन का ड्रॉ करना है उसका कौन से पार्ट है उसको आपको लेबलिंग करना है, तो अब आ गए फिगर नंबर 7.21 में, अ बेल सेपेट फ्लावर, ये जो
फ्लावर है वो कैसा है, बेल सेपेट फ्लावर सेट, फिगर 7.20 में क्या है, बेल सेपेट फ्लावर है। ओके अब हम देखेंगे फिगर नंबर 7.22 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के कौन से पार्ट छोटे हैं, कौन सा स्टेमन कहते हैं, कौन किसको पिस्टिल कहते हैं, वो अब हम देखेंगे। तो ये जो पार्ट होता है ऐसा को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो उसका कैसा कलर होता है, क्रीम कलर होता है। ओके तो वन पार्ट कौन सा हुआ फ्लावर्स का, स्टेमन। ओके उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एंटर्स। तो ये जो ऐसा वाला पार्ट होता है, तो अपने फ्लावर्स को आपको प्रॉपर तरीके से सी करोगे देखोगे तो आपको ऐसा पार्ट दिखाई, उसको क्या कहते हैं, एंटर्स कहते हैं। उसका कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है। उसका दूसरा पार्ट क्या हुआ, एंटर्स हुआ। तीसरा पार्ट देंगे पिस्टिल, तो उसका कैसा ग्रीन कलर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। उसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो कौन से पार्ट से फ्लावर के, स्टेमन से का क्रीम कलर होता है, एंटर से उसका येलो कलर होता है, पिस्टिल उसका ग्रीन कलर होता है। अब फिगर नंबर 7.23 में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन के कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे। तो उसमें ये जो वाला पार्ट होता है अपर वाला ऐसा, जिसको क्या कहते हैं, एंटर कहते हैं। ओके उसका ये जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो दोनों पार्ट स्टेमन के दोनों पार्ट एंटर है एंड फिलामेंट। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। तो पिस्टिल किसको कहते हैं, फ्लावर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी, तो कोई सी नहीं कर, इट इज कंप्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 7.24। तो फिगर नंबर 7.24 में हम देखेंगे पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो उसका ये जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो उसका ऐसा जो पार्ट होता है ऐसा बीच वाला पार्ट, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओके और उसका अपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सबसे एकदम अपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो पिस्टिल के वो सब पार्ट हो गए, स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड ओवरी। अब एक्टिविटी 11 देखेंगे, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी फिगर नंबर 7.24। तो ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, इट इज द लोअर मोस्ट एंड द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो पिस्टिल का कौन सा पार्ट है, वो लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट है। वी विल कट दिस पार्ट ऑफ द स्टडी, व्हाट इज इनसाइड, लुक एट द फिगर नंबर 7.25A and B केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में से ओवरी को कैसे कट किया जाता है वो अब हमें देखना है। फिगर नंबर 7.25 कटिंग एंड ओवरी, उनको कैसे कटिंग कट, ए जो वाला है वो लॉन्गिट्यूडियल कट एंड बी वाला है वो ट्रांसवर्स कट। लॉन्गिट्यूडियल कट देखेंगे, उसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं। कैसे कट हुआ, लॉन्गिट्यूडियल कट हुआ। और जो बी वाला फिगर देखेंगे ट्रांसवर्स, उसको कैसे इधर से कट करते, वो कैसा हुआ ट्रांसवर्स कट हुआ। ओके कट द ओवर इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर नंबर 7.25। तो हम देख लिया, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ईच ऑफ द टू पीसेस ऑफ द ओवर यू हैव कट। तो जब आप कट करते हो उसके बाद उसको जब ड्राई नहीं हो जाए, इसलिए आपको उस क्या करना है, ओवरी का जो टू पीसेस होता है उसको आपको वाटर का ड्रॉप उसके ऊपर डालना है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 7.26, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। तो ओवरी का इनर स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम देखेंगे। ए वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडियल कट, और बी वाला है वो ट्रांसवर्स कट। तो ये ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे। तो उसमें ऐसा जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको
क्या कहते हैं, बीच वाला जो ऐसा पार उसको क्या कहते हैं, ओवुलस कहते हैं। ओके इसके ऐसा वाला पार उसको क्या कहते हैं, ओवुलस कहते हैं। तो ये पूरा जो ऐसा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ओवुलस कहते हैं। तो वो क्या है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है। तो उसमें ऐसा वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ओवुलस कहते हैं। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ एन ओवरी यूजिंग अ लेंस, फिगर नंबर 7.26। तो हमने देख ही लिया ओवुलस किसको कहते हैं। डू यू सी सम स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, तो दे आर कॉल्ड ओवुलस। तो ओवुलस किसको कहते हैं, तो आपने इसमें सी किया ही होगा, जो स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ओवुलस कहते हैं। तो ऐसा मैंने जो समझाया है वो ही है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, ओवुलस कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ ओवरी इन योर नोटबुक, तो आपको ओवरी का इनर पार्ट नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अ मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बी आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। तो गार्डनर को और एनी अदर पर्सन को फ्लावर्स के जो भी नाम है उसको आप पूछ सकते हो। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल पेटल्स स्टेमन्स एंड पिस्टिल, क्या सभी फ्लावर्स के सेपल पेटल्स स्टेमन एंड पिस्टिल होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, आर दिस फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स। डिड यू फाइंड एनी अदर फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज द डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स। तो कभी आपने ऐसा फाइंड किया फ्लावर जो उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेमन एंड नंबर ऑफ पेटल्स डिफरेंट होते हैं। डू यू नाउ एग्री डेट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, तो आपने सभी फ्लावर्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर। तो जो भी नंबर ऑफ सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, पिस्टिल होते हैं, वो डिफरेंस फ्लावर फ्लावर्स में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स, वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ाई की ही है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।